17 से 20 अगस्त तक जिले के नवोदित उद्योजक व छात्रों को नव उद्यमी बनने के लिए शासन द्वारा आयोजित स्टार्टअप यात्रा का अकोला में आगमन हो गया है, जिसका लाभ सभी नव उद्योजक युवक व छात्र ले, इस तरह का आह्वान जिलाधिकारी द्वारा किया गया है। राज्य के नागरिकों को विशेषतः युवकों को नाविन्यपूर्ण संकल्पना तथा नव उद्योगों के लिए प्रोत्साहित करने कौशल्य रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग की ओर से महाराष्ट्र स्टार्टअप तथा नाविन्यता यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा का बुधवार को अकोला में आगमन हुआ। जिलाधिकारी कार्यालय स्थित सहायक संचालक रोजगार व स्वयं रोजगार कार्यालय के अधिकारी के हाथों स्टार्टअप यात्रा रथ को हरी झंडी दिखाई गई, जिसके बाद यह यात्रा अकोला जिले के प्रत्येक तहसील के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रचार और प्रसार करेगी। यात्रा में मोबाइल वैन के साथ उपस्थित प्रतिनिधि नागरिकों को तथा छात्रों को संपूर्ण जानकारी देंगे। नाविन्यपूर्ण संकल्पना व उसके पहलुओं को तथा विभाग की ओर से चलाए जाने वाले विभिन्न उपक्रमों की जानकारी दी जाएगी। अकोला के शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में पहुंचने के बाद उपस्थित सभी छात्रों को स्टार्टअप उद्योगों को लेकर जानकारी दी गई। देखते हैं इस जानकारी की एक झलक। कल्पकता आणि जिद्द असणाऱ्यांना कधी हरण मान्य नसतं, म्हणूनच भरारी घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्यांना पंखांचं वरदान असतं। नमस्कार, मी जयेश टोपे। शिक्षणानंतर मित्राप्रमाणेच मीही नोकरीची वाट करतो। दैनंदिन जीवनात अनेक नागरिक आपल्या दुचाकीचा वापर व्यावसायिक वाहतुकीसाठी करतात, एवढेच नव्हे तर काही जण आपला व्यवसाय दुचाकीवर चालवतात। मला जाणवलं की दुचाकींचा हा वापर व्यावसायिकांसाठी सोयीस्कर व सुरक्षित नाही। माझ्या अनुभवाचा आणि कल्पकतेचा वापर करून या समस्यावर समाधान शोधण्याचे मी ठरवले। पण प्रश्न हा होता की माझ्या कल्पनाला सत्यात उतरवायचे ते कसं, आणि मग मला महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीची साथ लागली। माझ्या कल्पनांना व्यासपीठ उद्देशांतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रभर विविध योजना राबवल्या जात आहेत। राज्यातील नागरिकांच्या नवसंकल्पनांना मूर्त स्वरूप देण्यासाठी तसंच तळागाळातील नवउद्योजकांचा शोध घेऊन त्यांना आवश्यक पाठबळ पुरवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार उद्योजकता आणि नाविन्यता विभागाद्वारे स्टार्टअप यात्रेचे आयोजन करण्यात येत आहे। 17 से 20 अगस्त तक स्टार्टअप यात्रा का जिले में मुकाम रहेगा। सभी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ तथा शहर के कुछ मुख्य महाविद्यालय को भेंट देकर छात्रों को जानकारी दी जाएगी। जिले के ग्रामीण परिसर में भी यह यात्रा पहुंचेंगी। इस स्टार्टअप यात्रा का लाभ बड़ी संख्या में युवा उद्योग व छात्र ले, इस तरह का आह्वान जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने किया है।